सो गुड इवनिंग मैकेनिकल वालों, कैसे हैं आप सभी। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बार की क्लास होगी खास और सब लोग जुड़ेंगे जल्दी जल्दी बड़ा सेशन में। बार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज आपके पास निकल कर आ रही है, यानी कि अब आपकी तैयारी को डबल स्पीड से बढ़ाने की जरूरत है और आप डेली क्लास को अटेंड करिए, क्लास को एक भी मिस मत करिए, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने बार से आने वाली है। तो सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी सेशन में जुड़ेंगे और यहां पर आपको पहले मैं न्यूज बताऊंगा, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट सब लोग सेशन में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सकें टाइम पर। तो बार और बीईएमएल दोनों के लिए होगी ये खास क्लास, तो जल्दी जल्दी सब लोग सेशन में जुड़े और क्लास की शुरुआत करें यहां पर हम। ठीक है बेटा, चलिए। तो बार के स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और बीईएमएल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए यह खास क्लास होने वाली है। दोनों का पेपर ऑलमोस्ट सेम होगा। गुड इवनिंग जयदीप जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप? चलिए, तो यहां पर बेटा सबसे बड़ी न्यूज एक ये निकल के आ रही है कि बार्क के एग्जाम की डेट जो कि बहुप्रतीक्षित थी, जिसकी बहुत दिन से प्रतीक्षा हो रही थी, उसकी डेट एग्जाम की आ चुकी है। तो बार्क के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, आप अपनी अपनी डेट जरूर चेक करिएगा, क्लास को डेली अटेंड करिएगा, क्लास को मिस मत करिएगा। बेटा हमेशा मैं बोलता हूं क्लास से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे एग्जामिनेशन में, और आप जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे हॉल में बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर क्वेश्चन ना क्लास से आ जाते हैं, इसलिए बेटा क्लास को मिस बिल्कुल ना करें। क्लास को मिस करने से आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए तो सेशन आज का शुरू करते हैं यहां पर, और बार की खास क्लास होगी। बार प्लस बीईएमएल दोनों की प्रैक्टिस सेशन यहां पर करेंगे और सफलता का एजेई मैकेनिकल बैच हम आपको दे रहे हैं बहुत ही किफायती रेट पर, यानी कि आप जो है एजेई मैकेनिकल का कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएल हो, कुछ भी हो, एसएससी हो 2024, कुछ भी हो, सबकी तैयारी आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, तो आप इसमें जरूर एनरोल करें। टेस्ट बुक की वेबसाइट पर जाएं और आर मिश्रा कोड लगाएं और इसमें अपना आप एनरोलमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा सभी लोग मिलकर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हॉल टिकट भी आ जाएगा। डियर मैंने आपसे बोला था ना एग्जाम नवंबर में हो जाएगा, तो हॉल टिकट भी आ जाएगा एग्जाम नवंबर में। अब देखिए 18 नवंबर से एग्जामिनेशन की शुरुआत है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है आप मान लीजिए 10 दिन पहले आपके पास आ जाएगा। बताइए बताइए बताइए, द इंटरफेरेंस और अंडरकटिंग इन इन्वोल्यूट गियर्स कैन बी अवॉइडेड बाय, इंटरफेरेंस या फिर अंडरकटिंग इन्वोल्यूट गियर में आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इन्वोल्यूट गियर जो होता है वो सबसे बेस्ट गियर होता है, यानी कि आप देखिए कि अगर इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग देखा जाए तो साइक्लोडल गियर जो होता है वो इंटर इन्वोल्यूट गियर से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इन्वोल्यूट गियर में कुछ खासियत होती है। साइक्लोडल गियर में बात यह है कि साइक्लोडल गियर में जैसे ही सेंटर डिस्टेंस वैरी करती है, साइक्लोडल गियर में आपका सेंटर डिस्टेंस वैरी करती है तो प्रेशर एंगल बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, और यहां पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, इस वजह से हम इन्वोल्यूट गियर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इंटरफेरेंस या अंडरकटिंग आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन्वोल्यूट गियर्स में, वेरिंग द सेंटर डिस्टेंस को आप चेंज करके थोड़ा सा इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। इंटरफेरेंस कब हो रहा है यार, एक का टीथ, एक का जो फेस है दूसरे के फ्लैंक में जा रहा है, अगर आपने सेंटर डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो यहां पर इंटरफेरेंस का चांस कम हो जाएगा, ठीक है ना। यूजिंग अ मॉडिफाइड इन्वोल्यूट और कंप्रेस्ड सिस्टम, आप इन्वोल्यूट को स्टबिंग कर दीजिए, मॉडिफाइड सिस्टम यूज कर लीजिए, या फिर इंक्रीजिंग द अडेंडम ऑफ द स्मॉल व्हील एंड डिक्रीजिंग फॉर द लार्जर व्हील, गियर का अडेंडम कम करिए और स्मॉलर व्हील यानी कि पिनियन का अडेंडम बढ़ा दीजिए, तब भी आप कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, देर नको बाबा देर नको। चलो बेटा इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज टाइप्स ऑफ लिंक, इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ लिंक नहीं है, इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ लिंक नहीं है, बताएं बेटा, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूड लिंक, क्या नन ऑफ द अबव। दिलीप क्या आंसर कर रहे हो यार तुम, इनमें से बेटा कौन सा नॉट क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ लिंक, लिंक का टाइप कौन सा नहीं है बच्चे इनमें से, बताइए लिंक का टाइप कौन सा नहीं है। तो देखिए यहां पर रिजिड लिंक भी लिंक होता है बेटा, फ्लेक्सिबल लिंक भी लिंक होता है, फ्लूड लिंक भी एक लिंक है, यानी कि फ्लूड भी एक लिंक होता है। इनमें ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव, क्या आ जाएगा, None of the above आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी, none of the above।
बेटा एक बार सिस्टम को अपने रिफ्रेश करिए, नेट मेरा बिल्कुल मेरे लैपटॉप में बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आप एक बार सिस्टम को अपने रिफ्रेश करिए, दोबारा से वीडियो को रिफ्रेश करिए। नेक्स्ट बात है, आंसर करेंगे बच्चे सभी लोग? ओके, द गवर्नर इन हाइड्रो पावर प्लांट इनेबल्स रैपिड क्लोजर ऑफ नोजल ऑफ एन इंपल्स टर्बाइन टू रिड्यूस आरपीएम या रेगुलेट्स द फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू कंट्रोल द टर्बाइन आरपीएम, क्या करता है बताइए? बताएं बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओके, द गवर्नर इन हाइड्रो पावर प्लांट एक पन बिजली संयंत्र में नियंत्रक क्या करता है? गवर्नर बेटा क्या करता है? तो गवर्नर जो होता है रेगुलेट करता है फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू कंट्रोल द टर्बाइन आरपीएम। जो टर्बाइन पे वाटर जा रहा है नोजल से निकलकर, जो टर्बाइन पे वाटर स्ट्राइक कर रहा है उसके फ्लो रेट को कंट्रोल करता है ताकि जो आपका फ्लो हो, जो आपकी टर्बाइन है, वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चल सके। अगर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो गवर्नर क्या करता है, जो टर्बाइन का नोजल होता है ना उसमें स्पीयर को आगे करके पानी की सप्लाई कम कर देता है, और अगर बहुत ज्यादा बहुत कम पानी आ रहा है तो स्पीयर को आगे ढकेल देता, आगे पीछे पुश कर देता है ताकि पानी ज्यादा जाए और टर्बाइन कांस्टेंट स्पीड पर मूव करती रहे। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, अभी ठीक है क्या? नाउ स्टेबल? इज इट क्लियर नाउ? ओके, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ इज नोन एज, बताएं बेटा इसका आंसर क्या होगा? What is the radial distance of the tooth from the pitch circle to the top of the tooth is known as? Pitch circle से बेटा tooth के top तक के distance, pitch circle ये है, यहाँ से tooth के top तक के distance को हम क्या बोलते हैं? Addendum बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Addendum बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? Addendum बोलते हैं। ठीक है? Next, बेटा मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी ठीक है, पता नहीं आपने कैसे लैग कर रहा है। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल इन अ क्वाड्रिक साइक्लिक चेन इन द टोटल नंबर ऑफ लिंक इज एल? गाइस, जिन बच्चों ने भरा है बार का फॉर्म, चूंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट आ गई है, रेगुलर क्लास अटेंड करिए। अभी अपने पास ऑलमोस्ट आज से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अपने पास एक महीने है, एक महीने में हम करीब करीब लगभग करीब करीब 2000 क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, लगभग 1800 से 2000 क्वेश्चन हम यहां पर अटेम्प्ट कर लेंगे, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच कर जाएंगे। बस आप डेली क्लास जरूर करिए, बार्क हो या बीईएमएल हो, ठीक है ना? तो यहां पर आप टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल कितने हैं क्वाड्रिक साइक्लिक चेन के? एल होते हैं। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रखना है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, बहुत ज्यादा टफ लेवल आएगा ही नहीं, उतना आपको डिस्कशन भी नहीं करना। रिमेंबर, ओनली डिप्लोमा इज अलाउड, नॉट बीटेक। ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट बात है, तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हैं? एल हो जाएंगे। अगर किसी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक एल है तो नंबर ऑफ इन्वर्जन भी, मैक्सिमम इन्वर्जन एल हो जाएंगे। ओके, द चेंज इन वर्टिकल हाइट इन एमएम ऑफ अ व्हाट गवर्नर व्हेन इट चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 50 आरपीएम टू 51 आरपीएम इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू, बताएं बेटा इसका आंसर जल्दी जल्दी। द चेंज इन वर्टिकल हाइट इन एमएम ऑफ अ वार्ड गवर्नर, यानी कि देखिए हाइट ऑफ वार्ड गवर्नर बेटा क्या होता है? 895 बाय एन स्क्वायर, यही होता है। अब आपको यार वर्टिकल हाइट में चेंज, यानी कि जो स्लीव का मूवमेंट है उसमें आपको चेंज निकालना है, सो आपको डेल्टा एच निकालना है। सो डेल्टा एच बेटा क्या हो जाएगा? एच वन माइनस एच टू। अब एच वन कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर 895
डिवाइड बाई एन स्क्वायर, स्पीड कहां से कहां चेंज हो रही है, 50 से 51, तो 50 आरपीएम पे निकाल लीजिए, माइनस 895 डिवाइड बाई 51 का स्क्वायर यहां पे निकाल लीजिए, तो आपका आंसर करीब करीब 14 के अराउंड आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग, यानी किसका आंसर 14 के अराउंड आ जाएगा, बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हाँ 13 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चे, और विच इज वेरी क्लोज टू 14। बेटा अभी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, अभी हम कुछ सेशन में बार के लिए हम स्पेशल सिर्फ ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, कुछ सेशन में हम न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ सेशन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं अगले एक महीने में। तो सारे वैरायटी जो भी आपके आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हर टॉपिक से पर्टिकुलर टॉपिक से भी कवर करेंगे, जब आपका लास्ट 10 डेज बचेगा एग्जामिनेशन का तो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। अच्छा दिलीप ऐसा कब हुआ, कब आया ये, कब आया, अभी आया क्या, अच्छा बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। टू गियर्स आर सेड टू हैव कॉन्जुगेट मोशन, दो गियर की मोशन बेटा कॉन्जुगेट होती है कब, दो गियर की मोशन कॉन्जुगेट हो जाती है कब, अच्छा अभी जस्ट आया ही है, ओके 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 ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो टू गियर्स आर सेड टू हैव अ कॉन्जुगेट मोशन, बेटा दिलीप जी ने भी एक रिसेंट न्यूज दी है, आप सब लोग जान जाइए कि बार के एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, ठीक है ना, गुड वन। तो दे हैव वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन एंगुलर वेलोसिटी, दे हैव अ वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन इन एंगुलर वेलोसिटी, दे हैव वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, दे हैव कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, या दे हैव वेरी हाई फ्लक्चुएटिंग एंगुलर वेलोसिटी, बताएंगे बच्चे। बेटा दो गियर कॉन्जुगेट तब कहे जाते हैं जब उनका एंगुलर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी कि ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, ऐसे गियर की प्रोफाइल को, जो भी गियर की प्रोफाइल इस थ्योरी को सेटिस्फाई करती है कि उनका एंगुलर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोफाइल, जैसे साइक्लॉइडल प्रोफाइल, जैसे इनवोल्यूट प्रोफाइल, ये बाई नेचर कॉन्जुगेट होती है। यानी कि अब इसका मतलब क्या है, यानी कि गियर पे और पिनियन पे अगर दोनों पे इनवोल्यूट है, या फिर गियर पे और पिनियन पे अगर दोनों पे साइक्लॉइडल है, तो बाई नेचर कॉन्जुगेट है, यानी कि ऐसी प्रोफाइल जब आपस में मेश करेंगी तो उनके बीच का एंगुलर वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होता रहेगा। सो ऑप्शन 3 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, दिलीप यार तुम्हारे नाम में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे नाम में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारे नाम में दिल जो है ना वो शुरू में है, और तुम्हारे जो दिल का आईपी है दिलीप, दिल का जो आईपी एड्रेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बेटा यूपी 62, ठीक है चलो इसका आंसर करो। काइनेमेटिक चेन इज ऑल्सो नोन, काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म, काइनेमेटिक चेन को आप मैकेनिज्म कब बोल सकते हैं, काइनेमेटिक चेन को आप मैकेनिज्म बेटा कब बोल सकते हैं, इसी काइनेमेटिक चेन को आप मैकेनिज्म कब बोल सकते हैं, हाँ जब एक लिंक फिक्स हो, कोई भी काइनेमेटिक चेन आपकी मैकेनिज्म हो जाती है जब एक लिंक फिक्स होता है, एटलीस्ट वन लिंक नहीं, जब एक लिंक फिक्स हो, यानी कि किसी भी काइनेमेटिक चेन में अगर आप एक लिंक फिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म, और हर अलग अलग बार में अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म को बनाना, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म। नेक्स्ट, इसका बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द आइसोक्रोनस गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइसोक्रोनस गवर्नर की बेटा सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो आइसोक्रोनस गवर्नर ध्यान रखिएगा, देखिए दो तीन चीजें याद रखिए आइसोक्रोनस गवर्नर के बारे में, दो तीन चीजें आप याद रखिए। आइसोक्रोनस जो बेटा गवर्नर होता है, आइसोक्रोनस गवर्नर, इनमें जो यानी कि एक ऐसा गवर्नर है कि आप इसको किसी भी रेडियस पे ले जाइए, गवर्नर की रेडियस आप बढ़ाइए, R1 रखिए, R2 रखिए, R3 रखिए, R4 रखिए, सब हर रेडियस पे एक ही स्पीड होगी, सिंगल स्पीड एट एवरी रेडियस, ध्यान रखिएगा बेटा, यूनिक स्पीड, इट हैज यूनिक स्पीड, इट हैज यूनिक स्पीड एट एवरी रेडियस, या ऐसे बोल सकते हैं, कंफ्यूज आप हो जाएंगे, ऐसे लिखिए सेम स्पीड, सेम स्पीड, इसकी स्पीड जो होगी वो सेम होगी एट ऑल रेडियाई, हर रेडियाई पर इसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, सेम स्पीड एट ऑल रेडियाई। दूसरी चीज, आप आइसोक्रोनस किसे बढ़ा सकते हैं, तो बेटा हार्टनेल जो गवर्नर होता है यानी कि स्प्रिंग कंट्रोल जो गवर्नर होते हैं, हार्टनेल गवर्नर कैन बी मेड आइसोक्रोनस, कैन बी मेड आइसोक्रोनस, ठीक है, कैन बी मेड आइसोक्रोनस, आइसोक्रोनस जो बेटा आइसोक्रोनस जो गवर्नर होते हैं, इनका जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन जो हंटिंग लेवल होता है वो जीरो होता है, हंटिंग लेवल कितना होता है, जीरो, तो सेंसिटिविटी इनफाइनाइट और हंटिंग लेवल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आंसर करते हैं, डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, डेविस स्टीयरिंग गियर में क्या होता है बताइए, डेविस के स्टीयरिंग गियर में क्या होता है, डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, डेविस का स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा डेविस का जो स्टीयरिंग गियर है उसमें दोनों स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर दोनों होते हैं, जो आपका लाइक अकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म होती है उसमें सिर्फ टर्निंग पेयर होता है, और इसी वजह से हम अकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं डेविस के ऊपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि डेविस में स्लाइडिंग पेयर होता है तो फ्रिक्शन लॉस भी ज्यादा होते हैं, और अकरमैन में आपका सिर्फ टर्निंग पेयर है तो फ्रिक्शन लॉस इतने कम होते हैं, ठीक है ना, बोथ स्लाइडिंग पेयर एंड टर्निंग पेयर, ये होता है आपका किसमें, डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म में। बिल्कुल ले सकते हैं डियर, आपका कोई भी जेई का क्लास हो आप इस क्लास को बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी क्लास हो जेई की, बशर्ते मैकेनिकल की हो। अब ऐसा नहीं कि पेपर में इकोनॉमिक्स आ रही है और बोल रहे हो सर ये क्लास में अटेंड कर सकता हूं क्या, ओके, इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज 0.4 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग्स मॉडुलस, बताइए किसी भी मटेरियल के लिए बेटा जो आपका इलास्टिक मॉडुलस है वो 0.4 है, रेशियो है पॉइजन रेशियो है कितना 0.4, यानी कि म्यू की वैल्यू आपको दिया है 0.4, आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जी बाई ई, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए आपको पता है कि E is equal to बेटा क्या होता है, E is equal to आपका होता है 2g 1 plus mu, यही होता है। अब आपसे क्या पूछा है G by E, यानी कि G by E यहां लिखेंगे क्या आ जाएगा 1 upon 2 1 plus कितना है 0.4, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा 1 upon 2 into 1.4 that is 1 upon 2.8 कितना आ जाएगा 0.36 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.36 के अराउंड आपका आंसर करीबन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बताइए बच्चे, इसका बताइए, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट फॉर द शाफ्ट कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों शाफ्ट अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है,
दोनों शाफ्ट अगर सीरीज में कनेक्ट है तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए बेटा, अगर शाफ्ट आपके सीरीज में है, यानी कि शाफ्ट आपके मान लीजिए सीरीज में लगे हैं ऐसे, आपके शाफ्ट किस में लगे हैं? सीरीज में लगे हैं ऐसे, तो आपने अगर टॉर्क यहां पर दिया टी, तो यहां पर भी टॉर्क आएगा कितना? टी। यानी कि दोनों का जो टी वन बराबर हो जाएगा टी टू बराबर हो जाएगा टी, एक ये करेक्ट हो जाएगा। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट इसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा, वो कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा, तो ये करेक्ट होगा, ये है करेक्ट। थीटा जो होगा दोनों का सम हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, और जो टॉर्क है वो टॉर्क T1 बराबर T2 बराबर T हो जाएगा। हालांकि यहां पर गलत दिया है, सो T1 बराबर T1 प्लस T बराबर T1 प्लस T2 नहीं होगा, और थीटा 1 बराबर थीटा 2 भी नहीं होगा। नेक्स्ट, चलिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर एंटायर लेंथ इज गिवन एज, बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? The maximum value of bending moment for a cantilever beam with a uniformly distributed load over the entire length is given as, cantilever beam है जिसपे एक UDL लगा हुआ है, एक बेटा यहाँ पे क्या लगी है? Cantilever, एक cantilever लगी है जिसपे एक UDL लगा हुआ है, ऐसा क्या लगा है? UDL, intensity कितनी है? W, ठीक है ना? Okay, so ये total कहाँ लगेगा? ओके, सो कितना आ जाएगा इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? कितना आ जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, कितना आ जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना? ओके, गुड 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 गुड, कितना आ जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। देखिए यहां पर स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि वेट पर यूनिट लेंथ स्मॉल डब्ल्यू, सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर करिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसका आंसर करिए। और बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एसएससी जेई सीबीटी 2 में भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जेई सीबीटी 2 में भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल 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 सुनो बेटा, आजकल के टाइम में रितेश जी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रितेश वर्मा जी, मैक बॉय, मैक बॉय, मैक बॉय, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं रितेश जी, जेनेलिया ठीक है? जेनेलिया ठीक है, अच्छा। तो आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल का वेटेज कितना होता है बेटा, 30% न्यूमेरिकल मान लीजिए, 30-35%, बाकी 60-75% आपका, 60-70% आपका थ्योरी। ठीक है, ये लगा दें, चलो बहुत बढ़िया, ये लगा देते हैं बेटा। देखिए आपसे पूछा है पॉइजन्स रेशियो, और पॉइजन्स रेशियो क्या क्या होता है बेटा? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। अब लैटरल क्या है बेटा? देखिए लैटरल मतलब चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, तो डाया में चेंज कितना हो रहा है? देखिए डायमीटर टू डिक्रीज 0.005 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल डाया कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर। यानी क्या आ जाएगा बेटा? चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन डाया है 0.005, ओरिजिनल डाया कितनी है? 10। चेंज इन लेंथ बेटा कितनी हो रहा है? 0.8 हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ कितना है? 40। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.025 के अराउंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.025 आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। बेटा ऐसे ही शायरी, यही शायरी मेरा एक दोस्त सुनाया करता था 2 साल पहले, अभी कल न्यूज़ आई कि उसको अलकायदा वाले उठा ले गए, ऐसे ही शायरी सुनाया करता था दिल से, कल न्यूज़ आई बड़ा दुख हुआ, कल न्यूज़ आई कि उसको अलकायदा वाले उठा ले गए।
ओके, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद साइड बी ऑन विच लोड पी इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देखिए एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है बी इंटू बी है, क्या है एक बार, देखिए यहां पर है बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन, ऐसा मैं बार बना देता हूं यहां पर, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन है बी इंटू बी, और यहां पर आप एक लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर आप एक लोड अप्लाई कर रहे हैं 30 डिग्री पर, तो बेटा इसका ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, पी कॉस थीटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप निकालेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, देखिए जो नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस तो बेटा क्या आ जाएगा, पी कॉस 30 डिवाइड बाई एरिया, एरिया मतलब बी स्क्वायर। अब बेटा कॉस 30 क्या होता है, रूट 3 बाई पी, रूट 3 बाई 2, सो रूट 3 बाई 2 बी स्क्वायर नीचे और पी यहां पर, सो रूट 3 पी बाई 2 बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 3 पी बाई 2 बी स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो इसका आंसर करो। प्रैक्टिस करने के लिए बेटा मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी बुक से प्रैक्टिस करना है। चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बेटा आपके अगेन सीबीटी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ जो बच्चे एसएससी जेई की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि कैलकुलेटिव है इसलिए आ सकता है। ओके ओके गुड वन, तीन सौ पचहत्तर, व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस बेटा क्या होती है, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, ये होती है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। अब यहां पर पूछा है मेगा पास्कल में इन रॉड हैविंग डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का डाया है रॉड का और लेंथ जो है वो 2 मीटर की है, इट एक्सपीरियंसेस हीटिंग फ्रॉम टेम्परेचर 50 से इतना, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको दिया है इतना, एंड यंग्स मॉडुलस आपको दिया है 250 जीगा पास्कल। तो बेहतर होगा हम सब कुछ मेगा पास्कल में ही कन्वर्ट कर ले, मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने का मतलब डायमेंशन को आप एमएम में रख लीजिए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेसेस यहां पर निकल आएंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी ई, अल्फा कितना है 10 × 10⁻⁶। अब चूंकि ये क्या है पर डिग्री सेल्सियस तो इसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, इंटू डेल्टा टी बेटा कितना है, देखिए 50 से 200 जा रहा है यानी कि 150 आ गया, कितना आ गया 150 आ गया। अब E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू बेटा कितनी है, देखिएगा E की वैल्यू है 250 जीगा पास्कल, कितनी है 250 जीगा पास्कल, यानी कि 10³ से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा मेगा पास्कल, 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा मेगा पास्कल, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस आपको दिया है, ये दिया है और आपसे पूछा है थर्मल स्ट्रेसेस कितनी होंगी, सॉल्व करके बताइएगा कितना आया, तो आई थिंक आपका आंसर 375 यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 375 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, गुड। बताइए इसका आंसर, ओके, टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स ओन वेट, इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, elongation of a prismatic bar due to its own weight. अब आप देखेंगे बेटा अगर मैं यहां पे elongation निकालूं एक सिंपल बार का because of the load P, अगर मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं P, इसकी वजह से अगर मैं elongation निकालूं तो मैं लिख देता हूं PL by AE. अगर मैं elongation निकालूं due to own weight, self weight की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा PL by 2 AE, यानी कि हाफ हो जाएगा, हाफ द वेट ऑफ द बार अप्लाइड एट द लोअर एंड, या हाफ of the square of the weight of the bar was applied
एट द लोअर एंड या 1/4 या ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा, हाफ द वेट ऑफ द बार अप्लाइड एट द लोअर एंड, ठीक है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा. नेक्स्ट, वेरी गुड. कॉमन जेट फ्यूल इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ, तो जो कॉमन जेट फ्यूल है वो किसका रिफाइंड फॉर्म है, जो कॉमन जेट फ्यूल है वो किसका रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, तो डीजल का है या हाइड्रोजन का है या फिर अल्कोहल का है या फिर किरोसिन का है. ये जो लास्ट वाला है ना, फोर्थ नंबर, इसके ऊपर कितने लोग कवि हो गए, इस पे इसके ऊपर कितने लोग कवि हो गए फोर्थ वाले पे, ठीक है ना. ओके, तो ये लोगों को जब से ये आया लोग इंजीनियर बनना कम हो गए और कवि ज्यादा बन गए. ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो एक तरह का केमिकल होता है जो बॉयलर को साफ सफाई करने में यूज किया जाता है. हाइड्रोजन एक तरह का केमिकल है जो बॉयलर वगैरह को साफ सफाई करने में यूज किया जाता है. और किरोसिन होता है जैसे मिट्टी का तेल, तो किरोसिन का जो रिफाइंड फॉर्म होता है वो होता है जेट फ्यूल. क्या होता है, जेट फ्यूल. नेक्स्ट, वही था, ये लोग वही हैं जो बोलते हैं ना कि आए थे अच्छे बनने बेकार हो गए और इंजीनियरिंग के चक्कर में साहित्यकार हो गए, ये वही वही लोग हैं. इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स, डीजल फ्यूल की इग्निशन क्वालिटी आप किससे जज करते हैं, किससे निकालते हैं, क्या फ्लैश पॉइंट से, सीटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से या फिर फायर पॉइंट से, किससे निकालते हैं बेटा, सीटेन नंबर से. तो डीजल की जो इग्निशन क्वालिटी है वो हम किससे निकालते हैं, सीटेन नंबर से. अच्छा, ये जो सीटेन नंबर होता है, यानी कि जो सीटेन नंबर हम निकालते हैं, तो सीटेन नंबर में दो फ्यूल का मिक्सर होता है. सीटेन नंबर निकालने के लिए हम दो फ्यूल यूज करते हैं, एक तो करते हैं C16H34 यानी कि नॉर्मल सीटेन, ठीक है ना, और एक हम बेटा यूज करते हैं अल्फा मिथाइल नेप्थेलीन का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं C11H10 होता है अल्फा मिथाइल नेप्थेलीन, और इन दोनों को यूज करते हैं, इन दोनों को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करते हैं और इसकी इग्निशन क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है ना. और जितना परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये होता है, जितना परसेंटेज बाय वॉल्यूम मिक्सर में ये होता है, उसको हम बोल देते हैं सीटेन नंबर. क्योंकि जो सीटेन होता है, जो हेक्सा डिकेन है, यानी कि C16H34 है, इसकी इग्निशन क्वालिटी बहुत बेटर है, इसमें नॉकिंग क्वालिटी है ही नहीं, इसमें नॉक, यानी कि इसमें नॉकिंग नहीं होती, नॉक टेंडेंसी जीरो है, और इसकी जो नॉक टेंडेंसी है वो मैक्सिमम 100% है. तो जितना ये होता है उसको हम बोलते हैं सीटेन नंबर. नेक्स्ट, मैं मुकेश जी डेली बात कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा वो डिस्पैचिंग में भी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आ जाएगा. ओके, गुड. गुड इवनिंग प्रकाश जी, गुड इवनिंग. डैश इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ फ्यूल इनटू फाइन पार्टिकल्स, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइन एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल. फाइन एटमाइजेशन, कार्बोरेटर करता है एटमाइजेशन, फ्यूल एयर और पेट्रोल कार्बोरेटर में मिक्स होके फाइनली एटमाइज होते हैं, यानी कि फाइन ग्रेन्स के फॉर्म, फाइन ग्रेन्स क्या मतलब, फाइन एटम्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, जैसे स्प्रे के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं फाइन एटमाइजेशन. नेक्स्ट, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग बेटा. एडमिट कार्ड तो रोहित अभी नहीं आया है, एग्जाम डेट आ गई है. बेटा ये आप, ये जो बुक है वो आप सिर्फ टेस्ट बुक के वेबसाइट से ही, मतलब टेस्ट बुक के ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हैं. फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द टेस्ट बुक ऐप एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन लाइक ऑर्डर द बुक. सिर्फ आप टेस्ट बुक के ऐप से ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है.
प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन फ्यूल ऑयल वुड, यानी कि अगर फ्यूल ऑयल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 18 तारीख से शुरू हो रही है, 18 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर कुछ ऐसा शुरू हो रहा है, तो आप देख लीजिए आपका स्लॉट कब आ रहा है, ठीक है ना? बताइए इसका आंसर। ओके, तो मॉइस्चर अगर फ्यूल ऑयल में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? कीप द बर्नर टिप्स कूल, एड इन प्रॉपर कम्बशन, या फिर कॉज स्पटरिंग, पॉसिबली एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम। जो फ्लेम होगी आपकी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी फ्लेम, और स्पैटरिंग होगी, फ्लेम बुझ जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो इस वजह से प्रॉपर कंबशन भी नहीं हो पाएगा। इसका आंसर करिए, इसका आंसर बेटा करेंगे। दीपक अभी मैं जस्ट एक महीने पहले ही गया था, अभी जस्ट मैं एक महीने पहले ही गया था, यहां से आप दिल्ली से जहां पर मैं रहता हूं आप बाई कार जाएंगे तो यू इट विल टेक 4 to 5 hours टू रीच देयर। बताइए अभी बेटा मैं एक महीने पहले ही गया था, एक डेढ़ महीने पहले ही। इट विल टेक 4 to 5 hours फ्रॉम हियर बाई कार। वेरी फेमस, वेरी फेमस। ओके, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो फॉर एसआई इंजन। एसआई इंजन के लिए केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है? एसआई इंजन के लिए केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बेटा होता है 15:1। वैसे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट होता है 14.8:1, एग्जैक्ट होता है 14.8:1, ठीक है ना? बट यहां पर अगर नहीं दिया है तो आप 15:1 टिक कर सकते हैं। नहीं बेटा, घटोत्कच जी का मंदिर नहीं है वो, घटोत जी का नहीं, घटोत्कच जी का नहीं है वो, वो है बारबरीक का। बारबरीक जो थे ना, भीम के जो भीम थे उनके पोते लगते थे, तो उनका ये है मंदिर, जिनका सर भगवान कृष्ण ने काट दिया था और वहां महाभारत देखने के लिए बोला था कि तुम 18 दिन तक देख सकते हो, उनका मंदिर है ये। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, और सारे काम बन जाते हैं, यानी कि सारे काम बनने का मतलब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। विश्वास मन में रहे, किसी भी, अगर आप किसी भी धर्म के हैं, लाइक ABCD, आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आप अपने ईष्ट में विश्वास रखते हैं और अपने कर्म को बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आपका जो सफलता है आपकी वो निश्चित है। विश्वास रखिए और कर्म करिए, ठीक है? द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ मीथेन। 1 kg मीथेन को जलाने के लिए बेटा ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी? बार के एग्जाम की तो डेट आई है डियर, अभी RG बार के एग्जाम की डेट ही आई है अभी। तो CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू बेटा क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, वहां पर आपके 2 हाइड्रोजन है, यहां पर आपका 4 हाइड्रोजन है, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएगा, यहां पर 2 ही बचा, तो 2 ऑक्सीजन यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 12 और 4 16, 16 kg को जलाने के लिए आपको 16 × 4 64 kg चाहिए ऑक्सीजन, यानी कि पर केजी 1 kg के लिए कितना चाहिए? 4 kg ऑक्सीजन। 64 kg ऑक्सीजन चाहिए 16 kg मीथेन के लिए, तो 1 kg मीथेन के लिए 4 kg चाहिए, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, बेटा एक बार वेबसाइट खोल के चेक कर लीजिए आपका जो स्लॉट है आपका, क्योंकि अलग अलग स्लॉट है, 18 है, 19 है, 20 है, 22 है, तो आपका स्लॉट कब है देख लीजिए। ड्यूटी सिविलिटी एंड बार्क कैसे मैनेज करो? बेटा यही जो है वही जीवन है, अपनी जिंदगी के स्टेट ऑफ डिलेमा में, जिंदगी की उहापोह की स्थिति में भी अपने कार्मिक चीजों को बैलेंस करना, यही जो है वो लाइफ है, यही जिंदगी है।
कि भाग दौड़ की जिंदगी में भी अपने सपनों के लिए और अपनी अच्छी लाइक अपने अच्छे फ्यूचर के लिए वक्त कैसे निकाला जाए, इसी का बैलेंस जो है ना, इसी को लाइफ बोलते हैं। तो समहाउ यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू गिव जस्ट, जैसे आप जॉब से आते हैं तो आपको समथिंग लाइक 1 to 2 hours, मिनिमम 2 hours आपको CBD 2 के लिए तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 hours अभी से, लास्ट टाइम भी थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिएगा, और 1-2 घंटे अगर आप बार के लिए निकाल सकते हैं, चाहे आपको जल्दी उठना पड़े चाहे देर से सोना पड़े, बेटा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर द फ्यूल दैट डेटोनेट्स इजीली इन ऑटोमोबाइल इंजन, जो फ्यूल जल्दी डेटोनेट हो जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में उसे क्या बोलते हैं, जो फ्यूल जल्दी डेटोनेट हो जाता है ऑटोमोबाइल्स में उसे बोलते हैं बेटा हम एनहेप्टेन। अब देखिए ऑटोमोबाइल में यानी कि जो आपका एनहेप्टेन होता है, नॉर्मल जो हेप्टेन होता है, नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन एंड अल्फा मिथाइल निफ्थलीन, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत जल्दी नॉक करते हैं। इनमें जो नॉकिंग होती है वो यानी कि अपस्फोटन की जो प्रोसेस होती है इनमें वो बहुत जल्द होती है, क्या होती है, बहुत जल्दी इनमें क्या होता है, नॉकिंग, ये नॉकिंग को बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा नॉकिंग करते हैं और बहुत जल्दी नॉकिंग को करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एनहेप्टेन। आइसो ऑक्टेन जो होता है उसमें नॉकिंग होती ही नहीं, यानी कि उसकी नॉक टेंडेंसी जीरो होती है। द फ्यूल दैट डेटोनेट्स इजीली, जो बहुत जल्दी डेटोनेट हो जाए उसको बोलते हैं नॉर्मल हेप्टेन, या फिर अगर डीजल की बात करें तो अल्फा मिथाइल निथिलीन, और अगर पेट्रोल की बात करें तो ये एनहेप्टेन। पेट्रोल के लिए, पेट्रोल ऑटो साइकिल के लिए बेस्ट फ्यूल जो है वो आइसो ऑक्टेन है, और डीजल साइकिल के लिए बेस्ट फ्यूल जो है वो सीटेन है। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर करिएगा। यस डियर, यस यस यस, अगेन लेट मी टेल यू शुभजीत मंडल जी, इफ यू आर गोइंग टू गेट AJEE कोर्स, दिस विल नॉट ओनली कवर द BEML, इन फैक्ट दिस विल कवर द BEML, BEL, BHL, UPPSC, AEJEE, whatever, एनी एग्जाम फॉर JEE, एनी एग्जाम फॉर AEE, एवरी एग्जाम विल बी कवर्ड, एंड ऑल द सिलेबस, ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इवन रेयर सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल ऑल्सो बी कवर्ड, सारे सब्जेक्ट यहां पर कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। During combustion in a CI engine, the period of uncontrolled combustion has rapid pressure rise. क्या हो जाएगा? Yes, जब uncontrolled combustion होगा, जब पहला stage क्या है? Delay period. दूसरा stage क्या है? Uncontrolled combustion. तीसरा है controlled combustion. और चौथा है आपका after burning. या expansion जिसे आप बोल सकते हैं. After burning या expansion. तो वहां पर uncontrolled combustion के time में जहां पर knocking, जो आपका CI engine है यहां पर knocking जो होती है second stage में बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर second stage में क्या होता है, pressure बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे fuel particle clusters बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और सारे एक साथ जलते हैं, तो बहुत ज्यादा amount of pressure यहां पर बढ़ जाता है, आपका rapid pressure rise हो जाएगा। Next, quality of petrol used is expressed as, the quality of petrol used is expressed as, the quality of petrol used is expressed as octane number, petrol number, ya fir cetane number, ya fir calorific value. तो बेटा इसे किसे डिनोट करते हैं? ऑक्टेन नंबर से डिनोट करते हैं। अच्छा, ऑक्टेन नंबर किसका मिक्सचर होता है? तो ऑक्टेन नंबर जो होता है वो आइसो ऑक्टेन यानी कि C8H18 है ना, एंड अल्फा सॉरी एंड नॉर्मल हेप्टेन यानी कि C7H16 का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, Which of the following engine can be associated with heterogeneous combustion? इनमें से किस इंजन बेटा combustion जो होता है वो heterogeneous होता है, यानी कि किस इंजन में combustion heterogeneous होता है? Heterogeneous combustion का मतलब जिसमें दोनों फेज अलग अलग हैं, कहीं लिक्विड मतलब फ्यूल अलग आ रहा है, एयर अलग आ रही है, दोनों कहीं अलग से मिक्स हो रहे हैं, मतलब बाहर से ही दोनों मिक्स होकर नहीं आ रहे हैं। अगर आप पेट्रोल इंजन को देखेंगे तो कार्बोरेटर में आपका एयर और पेट्रोल मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सर बना के एटमाइज होकर अंदर आ रहा है, लेकिन डीजल में ऐसा नहीं है, डीजल में एयर अलग आ रही है, डीजल अलग आ रहा है, दोनों कहीं मिक्स हो रहे हैं। और इसी मिक्सिंग को प्रॉपर करने के लिए इंजेक्शन का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा रखा जाता है, और जो इंजेक्टर होता है उसका बहुत सारा काम है। इंजेक्टर का प्रेशर एक होता है कि एक इंजेक्टर का फंक्शन ये होता है कि
एयर फ्यूल मिक्सर को प्रॉपरली मिक्स करना, दूसरा कि डीप पेनेट्रेशन करना, यानी कि जो इंजेक्टर होता है वो पेनेट्रेशन बहुत डीप करता है, क्योंकि एयर है ना, एयर अभी आई है कंप्रेस्ड होके, जब एयर कंप्रेस्ड होके आई है, एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस है, प्रेशर रेशियो भी बढ़ा हुआ है, तो अगर डीप पेनेट्रेशन नहीं होगा तो फ्यूल अंदर नहीं जाएगा, एयर की लेयर के अंदर नहीं जाएगा, और अगर अंदर नहीं जाएगा तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मिक्सिंग में समय लगेगा, अगर मिक्सिंग में समय लगेगा तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा, अगर डिले पीरियड बढ़ जाएगा तो नॉकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन बी एसोसिएटेड विद द हेटरोजीनियस, तो क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि सीआई इंजन। नेक्स्ट, दैट इज आंसर बताइए, फोर्थ स्टेज ऑफ कंबशन क्या होगा बताइए बेटा, फोर्थ स्टेज ऑफ कंबशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेज ऑफ कंबशन क्या है, तो वही चीज मैंने आपको बताया अभी कि पहला होता है डिले पीरियड, दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन, तीसरा होता है आपका कंट्रोल कंबशन, चौथा होता है आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक, तो फोर्थ स्ट्रोक हो जाता है आपका बर्निंग या एक्सपेंशन स्ट्रोक। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द डीजल इंजन, सो डीजल इंजन के बारे में इन स्टेटमेंट का चयन करिए, पढ़िए इसको ध्यान से और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। डीजल इंजन के बारे में इन स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द डीजल इंजन, डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के बारे में आपको यह पढ़ना है। अ कार्बोरेटर, देखिए बेटा कार्बोरेटर का जहां पर नाम आए तुरंत काट डालिए, उड़ा दीजिए गर्दन इसकी, कार्बोरेटर डीजल इंजन में यूज होता ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अ कार्बोरेटर इज यूज्ड, मतलब इतना पढ़ लेना कि अ कार्बोरेटर इज यूज्ड, कहीं ऐसा ना हो कि कार्बोरेटर काट दिए बाद में पता, बाद में घर आके देखे तो एग्जाम में लिखा था अ कार्बोरेटर इज नॉट यूज्ड और तुमने काट दिया, तो इसको देख लेना कि यूज लिखा है कि नॉट यूज लिखा है। अ कार्बोरेटर इज यूज्ड लिखा है, गलत है, होता ही नहीं है, कार्बोरेटर नहीं होता। इट ड्रॉज ओनली एयर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, ये बात बिल्कुल ठीक है। The combustion of fuel takes place approximately at constant volume. नहीं, जो फ्यूल का combustion होता है वो constant pressure पर होता है, constant volume पर नहीं होता है। तो यहां पर आप, आपका जो option है बेटा वो आ जाएगा only two. Next. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अगर ऐसा हो गया बेटा तो इसके लिए एक ऑप्शन है, आप चूंकि शादी वादी फिक्स हो गई है तो ऐसा होता रहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है कि किसी के सिस्टम को किसी और की सराउंडिंग लेके ही जाती है, होता है सिस्टम जो होता है, कोई भी किसी के सिस्टम को कोई और, किसी का सिस्टम किसी और के साथ आइसोलेट हो जा रहा है तो कोई और सराउंडिंग उठा के ले जा रही है, होता रहता है सब। इसके लिए बेटा एक काम करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना, एक चाकू लेना है और उस चाकू को तेज करना है, उस चाकू की ग्राइंडिंग करनी है, कहीं भी उसमें वियर, हल्का सा भी वियर ना हो, उसको एकदम एक्सेसिव शार्प कर लीजिए और दो तीन बार ऐसे हाथ पे फेर लीजिए, ऐसे ऐसे आंख बंद कर प्यार से ऐसे फेर लीजिए हाथ पे, बहुत बड़ा तरीका ही है, वेरी गुड। पूरी जिंदगी से ही मुक्ति मिल जानी है, ये टेंशन रहेगी नहीं पूरी जिंदगी में, मुक्ति मिल जानी पूरी लाइफ से। बेटा कौन सी बुक बेस्ट है ये मैं आपको, आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी खुद की बुक आ रही है, आप उसको ले लीजिए, टेस्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इतने क्वेश्चन टेस्ट बुक में है बेटा, 30,000-40,000-50,000 क्वेश्चन है, आपको बुक की जरूरत ही क्या है, और अगर फिर भी आपको बुक की प्रैक्टिस करनी है तो मैसेज मीन टेलीग्राम। इनटेक फिल्टर्स आर प्रोवाइडेड इन कंप्रेसर प्राइमरली टू डैश फ्रॉम द सक्शन एयर। गाना गा ले यार, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, आज से तुम्हारी कॉलर ट्यून, कसम है तुम्हें अपनी कॉलर ट्यून लगा लेना, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। खैर, इंटेक फिल्टर जो होते हैं कंप्रेसर में लगे होते हैं,
जो आपका रोटरी कंप्रेसर होते हैं या उनमें जो आपका या जो एयर कंप्रेसर है आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उनमें आपके इनलेट पर ही एयर फिल्टर लगे होते हैं। वो एयर फिल्टर क्या करते हैं, जब एयर आती है ना तो एयर से डस्ट वगैरह को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि रिमूव डर्ट ओनली, एयर से डर्ट को रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट। हमें उस सचिन का मैसेज नहीं आया। सचिन क्या हुआ बेटा? चलिए ओके। डैश वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड इन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन सा वॉल्व होता है, आप सभी को पता है बेटा कौन सा वॉल्व होता है, प्लेट टाइप वॉल्व। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में प्लेट टाइप वॉल्व हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट तीन साल हो गए जॉब से टर्मिनेट हुए, इसको सराउंडिंग के नए सिस्टम को या सराउंडिंग को या पुराने वाले सिस्टम को, किसको तीन साल हो गए जॉब से टर्मिनेट हुए, जो आप सराउंडिंग है उसके नए वाले सिस्टम को या खुद सराउंडिंग को या पुराने वाले सिस्टम को। एंड आफ्टर कूलर प्रोवाइडेड इन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, नहीं बेटा भूलता कोई नहीं है, मैकेनिकल वाले नासूर होते हैं, कांटा समझते हो, कांटा पैर में कांटा जब चुभ जाता है ना तो पैर कितना भी ठीक हो जाए लेकिन कांटा जो होता है ना वो हमेशा याद रहता है कि यार ये कांटा चुभा था मुझे, और मैकेनिकल वाले नासूर होते हैं और नासूर जो होता है वो कभी भुलाए भूलता नहीं है। एंड आफ्टर कूलर तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए ऐसा बुलाना चाहे तू या फिर ना है। ओके आफ्टर कूलर प्रोवाइडेड इन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो आफ्टर कूलर लगा होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो आफ्टर कूलर लगा होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ बेटा मेरा बहुत डीप एक्सपीरियंस है, बहुत डीप, ठीक है। रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर, तो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर घटाने के लिए, क्योंकि अब देखिए आप कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर के एग्जिट पर जो एयर जा रही है बहुत ज्यादा गर्म है तो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम आफ्टर कूलर का यूज कर लेते हैं, या यूं ही आप कह सकते हैं इंटर कूलर भी आप बोल सकते हैं, आफ्टर कूलर भी आप बोल सकते हैं। In a reciprocating compressor, the clearance ratio is generally between, जल्दी दे आंसर करो भाई, fast, 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 fast. Clearance ratio बड़ा कितना होता है? हाँ, वफा नाराज आई, तुम्हें वो हर जाए। हाँ, ये तो आपने मुझे बताया था सचिन, कोई बात नहीं। अगर आपने, अगर आपको टर्मिनेट किया गया जल निगम वाराणसी से, आप टेंशन मत दीजिए, वाराणसी से आप हटे हैं तो आप किसी बहुत बड़ी जगह जाएंगे। वो अगेन आई एम रिपीटिंग कि माय फेवरेट गाना है कि कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, हर किसी के लिए, तो आपके लिए भी कुछ अच्छा बना होगा, आप इससे बेहतर, आप इससे ऊपर जाएंगे डेफिनेटली, आप देख लेना। बस अपनी मेहनत को छोड़ना मत और गम ज़्यादा मत होना, जो गया वो गया। बेस्ट एफिशिएंसी आइसोलेटेड सिस्टम में होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है मिनिमम एनर्जी में। आइसोलेट रहिए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा कितनी होती है, 4-10% तक आपकी होती है क्लियरेंस रेशियो, 4-10% तक होता है आपका क्लियरेंस रेशियो, ठीक है ना। नेक्स्ट,
रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट सूटेड फॉर? रोटरी कंप्रेसर बेटा किसके लिए होता है? लो प्रेशर पर जब आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर हैंडल करना है, यानी कि लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, तब आप रोटरी कंप्रेसर को याद करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज करना है लो प्रेशर पर, तो आप रोटरी कंप्रेसर इसके लिए सूटेबल होता है। तो यहां पर होता है हमारा सेशन। एक क्वेश्चन और बचा है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, फटाफट आंसर करिए। क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना है आपको, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको बताना है। नहीं ना, नहीं भाई, हम किसी सिस्टम, किसी सराउंडिंग, कोई मेरी कोई परमानेंट सराउंडिंग था ही नहीं। हम लोग ऐसे सिस्टम है जिसकी कोई परमानेंट सराउंडिंग था ही नहीं, फ्रेंकली आपसे बोलूं तो। नहीं बे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज गिवन बाय, मेरा तो बाल विवाह हुआ है ना बचपन में, पापा ने शादी करा दी, 13 साल का था, बाल विवाह करा दिया, तो ये सब मौका ही नहीं मिला। 13 साल का था तो पापा ने बाल विवाह करा दिया, मौका ही नहीं मिला ना सब चीजों का, सराउंडिंग का और सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 1+C - C P2/P1 to the power 1/n, क्या जाएगा, P2/P1 to the power 1/n। तो 1+C - C P2/P1 to the power 1/n, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सी है बेटा यहाँ पर क्लियरेंस रेशियो, क्या है सी, यहाँ पर क्लियरेंस रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन हो जाता है एंड। तो गुड न्यूज ये है कि बार की एग्जाम डेट आ चुकी है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर, और मोर में जाएंगे यहाँ पर तो बेटा आपको टेलीग्राम का चैनल मेरा मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल मिश्रा सर टेस्ट बुक, ठीक है ना, राहुल मिश्रा सर टेस्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ज्वाइन करके सारी PDF को क्लास में लाइक ले सकते हैं, और यहाँ पर देखिएगा बेटा, अगर आप चाहते हैं AJ मैकेनिकल से जुड़ना, तो AJ मैकेनिकल का शानदार 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 कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, और आपको बिल्कुल बेसिक से हर चीज सीखने को मिलेगी। आपको AJ मैकेनिकल में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि मैकेनिकल में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सब अवेलेबल कराए जाएंगे, चाहे वो रोबोटिक्स हो, मेकाट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम में, अगर इंडिया के किसी भी एक एग्जाम में आते होंगे, वो भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करवाएंगे प्रैक्टिस डियर, टेंशन मत लीजिए। तो प्लान को चेंज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर आप जो भी प्लान चाहे ले सकते हैं, 12 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का विदाउट बुक, 6 महीने का विथ बुक आप ले सकते हैं। विथ बुक आप लेंगे 4769 में है, विदाउट बुक लेंगे आप 4619 में है, बट इसमें भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर कूपन अप्लाई करेंगे, अप्लाई कूपन करेंगे बेटा, यहाँ पर आर मिश्रा डालेंगे कूपन, सो RMISHRA। अच्छा बेटा, एक मैंने आपको एक नोटिफिकेशन और दिया था अभी, तो 4428 रुपए का पूरा ये पड़ जाएगा 6 महीने का कोर्स। तो मैंने आपको एक नोटिफिकेशन और बताया है, वो BHEL का नोटिफिकेशन भी आया है, जिसमें उसका डिटेल नोटिफिकेशन कल आ जाएगा, तो वो भी देख लीजिएगा। बार की एग्जामिनेशन डेट आ गई है, ये ताजी ताजी न्यूज है आज की। दो तो सुपरवाइजरी ट्रेनी की वैकेंसी आई है बार में, जिसमें मैकेनिकल की 30 सीटें हैं और सिविल की 30 सीटें हैं। बार की एग्जामिनेशन डेट भी आ गई है, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, केयर एंड बाय। 9 बजे बेटा क्लास नहीं है, 9 बजे कल क्लास है। मनीष आपने थोड़ा सा वो गलत देख लिया है, 9 बजे की जो क्लास है वो कल है, तो वीकेंड्स में अपनी क्लास होगी 9 से 10 बजे, रात को हमारी क्लास होगी कल 9 से 10, जिसमें हम करेंगे CBT 2 के क्वेश्चंस, और परसों भी हो सकती है 9 से 10 ही क्लास। ठीक है, तो वीकेंड्स में 9 से 10 रहेगी, टेंशन मत लीजिए। 9:15 वाली क्लास भी बेटा चालू हो जाएगी जल्दी ही। ठीक है, अब चलें, अलविदा।